अभिनय की दुनिया के महारथी नाना पाटेकर के नाम एक और विशेष सम्मान दर्ज हो गया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर को थिएटर और सिनेमा के लिए उनके जीवन भर की सेवा के लिए दीनानाथ विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुंबई में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान ने प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार और ट्रस्ट के अन्य पुरस्कारों के साथ संगीत, नाटक, कला और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिग्गजों को सम्मानित किया। इस समारोह की शान रहे अभिनेता नाना पाटेकर, जिन्हें एक विशेष पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। बेहतरीन पुरस्कार है जिंदगी का, तो बड़ी खुशी है, और क्या। नहीं तो मैं कहीं पुरस्कार स्वीकार करने में ना आमतौर पर जाता नहीं, लेकिन ये इतना बड़ा पुरस्कार है और इस बहाने सभी लोग मिले, आप लोग मिले। इस साल संगीत और कला के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को भारतीय संगीत और सिने उद्योग के लिए उनकी समर्पित सेवा के लिए दिया गया, जबकि अनुभवी गीतकार उषा मंगेशकर को उनके योगदान के लिए दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीनानाथ विशेष पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अनुभवी गायिका संगीतकार मीना मंगेशकर खादिकर और सिनेमा के क्षेत्र में उनकी समर्पित सेवाओं के लिए प्रेम चोपड़ा को पुरस्कृत किया गया। राज्यसभा सांसद और सामना के संपादक संजय राउत को संपादकीय क्षेत्र में उनकी समर्पित सेवा के लिए सम्मानित किया गया। माला सिन्हा को भी सिनेमा के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट अदाकारी और निष्ठा भाव से सेवा के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर हृदयनाथ मंगेशकर ने कहा, मास्टर दीनानाथ जी का गायन, संगीतकार और मंच कलाकारों के रूप में महत्वपूर्ण योगदान महाराष्ट्र और भारत के लोगों के लिए प्रेरणा रहा है। मंगेशकर परिवार की विदंतियां बन चुके लोगों को सम्मानित करने के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान पुरस्कार आयोजित करता है और हमें खुशी है कि हमें जनता का प्यार और समर्थन मिला है। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान पुणे में स्थित एक पंजीकृत पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो कि पिछले 31 साल से संगीत, कला, रंगमंच और सामाजिक क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके लोगों को सम्मानित करता है। बस मेरी एक विनती है अर्जुना जी। पिछले 2 सालों से विश्वव्यापी महामारी के कारण यह अवार्ड समारोह अप्रैल में संभव नहीं हो सका, इसलिए मंगेशकर परिवार ने इस साल 24 नवंबर 2021 को इसे कराने का फैसला किया। आज मुझे एक सुप्रसिद्ध गायिका ने याद दिलाया कि मैंने उनके कम से कम 100 स्टेज प्रोग्राम्स का मंच संचालन किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।